ओके बेटा, अब नेक्स्ट चेंज देखो, इसको समझने की कोशिश करो। डायस्टीरोमर बेटा काफी ब्रॉड टर्म है। डायस्टीरोमर का मतलब है स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब समझना बेटा, स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आ जाता है और स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल आइसोमर भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बना लिया, अब इधर मान लो मैंने लिख दिया एच सी एल बी आर आई क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक। अब इसके यदि मिरर इमेज होती तो कैसी होती, सोचो। इसके यदि मिरर इमेज होती तो एच इधर आता, एफ इधर, सी एल इधर, आई इधर, सी एल इधर, आई इधर और बी आर इधर। ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी मिरर इमेज है और ये है स्टीरियो आइसोमर। क्यों स्टीरियो आइसोमर है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। और क्यों देखने को मिलेगी ऑप्टिकल एक्टिविटी? क्योंकि आप इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे देखो ये किरल सेंटर है, ये भी एक किरल सेंटर है और दो दो किरल सेंटर है, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा किरल सेंटर हो, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को ना मिले, पर वो कब होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने अभी तक आपको ये बात क्लियर नहीं की है, बट यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी क्योंकि दो दो किरल सेंटर है। कब ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है वो बात मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, क्योंकि समझाना है ही थोड़ी देर में। शायद हो सकता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरे को ऐसा याद है थोड़ा बहुत कि मैं आपको पहले ये बता चुका हूं, मीसो टार्ट्रिक एसिड है। और एक जो है यदि लाइट को राइट में रोटेट करेगा तो दूसरा सेंटर लेफ्ट में रोटेट कर देगा, एक यदि आर फॉर्म है तो दूसरा एस फॉर्म होगा। अब आप देखो, आप इसका नॉमनक्लेचर देने की कोशिश करो, इस वाले का नॉमनक्लेचर दो, ये कैंसर सेंटर है और ये आर है या एस है। ऊपर और नीचे सेंटर्स दोनों का नॉमनक्लेचर लिखो, कौन सा आर है और कौन सा एस है, फटाफट लिखो। हाँ बच्चों, क्या आ गया? ऊपर वाला बोलो क्या सेंटर है, बोलो बेटा, मैं कुछ सुनाई नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। एस फॉर्म, ओके गुड। नीचे वाला आर फॉर्म, ठीक। पूछा बच्चे, यदि ये सही है तो मैं मान के चल रहा हूं आपने सही किया होगा, वैसे मैं क्रॉस चेक कर लूंगा। तो यदि ये एस फॉर्म है तो ये आर फॉर्म है, तो और सेंटर दोनों सेम है। देखो, इस कार्बन से ओ एच जुड़ा है, एच जुड़ा है, सी ओ एच जुड़ा है और नीचे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन से एक एच, एक ओ एच, सी ओ एच और ऊपर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब दोनों कार्बन पे अटैचमेंट एकदम सेम टाइप के है। मतलब एक यदि राइट में रोटेट कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, एक आर फॉर्म है एक एस फॉर्म है। तो यदि एक आर है और एक एस है और उनसे सेम टाइप की चीजें जुड़ी हुई है तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ रोटेशन दोनों सेंटर का सेम होगा, क्योंकि उनमें अटैचमेंट बिल्कुल सेम टाइप के। तो डिग्री ऑफ रोटेशन दोनों सेंटर्स का चूंकि सेम है, एक आर है और एक एस है, यदि इसको देखो और इसको देखो तो दोनों का डिग्री ऑफ रोटेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो डेफिनेटली मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक यदि राइट में रोटेट करेगा दूसरा लेफ्ट में रोटेट करेगा सेम डिग्री तक, तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली ऑप्टिकल रोटेशन इज गोइंग टू बी जीरो। देयरफॉर आप इसमें बोल सकते हो यहां पे दो दो किरल सेंटर है बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, पर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जहां तक मुझे याद है मैंने आपको ये लिखाया था सेंटेंस, अ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन किरल सेंटर मे बी ऑप्टिकली एक्टिव मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मींस द प्रेजेंस ऑफ किरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ अ मॉलिक्यूल नॉट ऑफ अ इंडिविजुअल एटम। यदि मैंने लिखा दिया है सेंटेंस बेटा तो आप ठीक है, नहीं लिखाया तो आप मेरे को बता दो तो मैं लिखवा देता हूं। लिखवा दिया बेटा, ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो बेटा ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था। अब ऑप्टिकली कोई मॉलिक्यूल जिसमें कि किरल सेंटर्स हैं वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, ये कुछ सिमेट्रीज के आधार पर भी हम तय करते हैं, कुछ सिमेट्रीज के आधार पर भी हम तय करते हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो सब सिमेट्रीज क्या क्या है, बट उससे पहले आप इधर आए, मैं डायस्टीरियोमर शब्द से आपका परिचय करवा रहा था। मैं आपको क्या बोल रहा था, स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। अब हाउ दे आर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ईच अदर, यदि इसको आप देखो तो ये कैसे स्टीरियो आइसोमर है एक दूसरे के। अच्छा, इस सेंटर को निकालो, इस सेंटर को निकालो, यदि आप सेंटर की ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ फ्लोरीन है, एक्सचेंजेस कर लो, एक्सचेंजेस यदि कर लोगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर लेके आना है
इसको इधर लाने के लिए सबसे पहला वो मैं F को इधर ले जाता हूँ, Cl इधर ले आता हूँ, फिर Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, उसके बाद नीचे वाले सेंटर पे भी ऐसे ही मार्क करता हूँ, नीचे वाले सेंटर पे देखूँ तो I इधर है, Br इधर है, Cl इधर है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वर्टिकल लाइन पे है, तो ऑब्वियसली यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है जो कि ये कार्बन है, तो इस पर किसी पदार्थ को कोई एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नाम दे सकते हो आई बी आर सी एल, यूं गया तो ये क्या हो जाएगा, एस फॉर्म हो जाएगा। ऊपर वाले को क्रॉस चेक करते, ऊपर वाले को देखा तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन है, दो एक्सचेंज हम कर चुके हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, वन से टू पे जाओ और फिर थ्री पे आओ, तो इसका मतलब भी कैसा फॉर्म हो गया, ये हो गया एस फॉर्म, तो दिस इज ऑल्सो एस फॉर्म, बोथ आर एस फॉर्म, सीएल नंबर वन, एफ नंबर टू, और कार्बन ये नीचे, ये नंबर थ्री हो गया, यूं घूमेगा एंटीक्लॉकवाइज, और एंटीक्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब दिस इज एस फॉर्म, ये नीचे वाला भी क्या है, नीचे वाला भी एस फॉर्म है, नाउ सीएल, इधर ध्यान दो, इधर भी ध्यान दोगे तो यहां पे सेंटर निकालो, कौन सा सेंटर क्या होगा, इस पे भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो चलो एक्सचेंज करते हैं, सबसे पहले इधर तो कोई एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि आई बी आर सी एल ये सीधा सीधा यूं चला जाएगा, तो ये हो गया आर फॉर्म, ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, नंबर थ्री है, और वर्टिकल लाइन पे नंबर फोर है जो कि ये कार्बन है। अब ये वाले सेंटर को देखा जाए, ऊपर वाले सेंटर को देखा जाए, ऊपर वाला सेंटर क्या होगा, तो ऊपर वाले सेंटर पे इधर हाइड्रोजन है, इधर फ्लोरीन है और इधर क्लोरीन है, तो मेरे को हाइड्रोजन को इधर लेके आना है, सबसे पहले मैं फ्लोरीन को इधर ले आता हूँ, क्लोरीन को इधर ले जाऊंगा, बाद में हाइड्रोजन इधर ले आऊंगा और क्लोरीन को इधर ले जाऊंगा, नीचे कार्बन। अब नंबर वन प्रायोरिटी, नंबर टू प्रायोरिटी, नंबर थ्री प्रायोरिटी, सो वन टू देन थ्री, तो यूं घुमा तो ये क्या हो जाएगा, वन, वन के बाद में क्या हो गया टू, और टू के बाद क्या हो गया यहाँ पे थ्री, थ्री प्रायोरिटी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज आर फॉर्म, दिस इज आर फॉर्म, तो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। अब इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, हालांकि ये डायस्टीरोमर का एग्जाम्पल नहीं है, डायस्टीरोमर का एग्जाम्पल ये क्यों नहीं है वो मैं तुमको बताता हूं, क्योंकि डायस्टीरोमर की डेफिनेशन क्या थी बेटा, डायस्टीरोमर की डेफिनेशन थी कि दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये ऑप्टिकल आइसोमर क्यों है, सबसे पहले तो ये समझ लो ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर क्यों है, ये आपस में ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए है क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए है क्योंकि इसका एक रोटेशन है, इसका भी एक रोटेशन है, इसी प्रकार इसका भी एक रोटेशन है और इसका भी एक रोटेशन है, दोनों ही लाइट को रोटेट कर रहे हैं, ये लाइट को रोटेट कर रहा है, ये भी लाइट को रोटेट कर रहा है, ये लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। आइसोमर्स क्यों है, आइसोमर्स इसलिए है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया है, और सिर्फ डिफरेंस कहां पे, डिफरेंस इज ओनली विद रिगार्ड टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यदि एक लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो दूसरा राइट में रोटेट कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम होगा। यदि आप अटैचमेंट देखो तो बिल्कुल सेम टाइप के, यदि आप नॉमेनक्लेचर करो तो एकदम सेम टाइप का, नॉमेनक्लेचर करोगे तो इसको नंबर वन लिखेगा, इसको नंबर टू लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वन ब्रोमो वन क्लोरो वन आयडो टू क्लोरो टू फ्लोरो इथेन, ये भी सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, बट क्या हुआ है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो बदल गई, सो दे आर स्टीरियो आइसोमर, ये दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है जब जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एक्टिविटीज भी लगभग सेम टाइप की रहेंगी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफरेंस कहां पे होगा, डिफरेंस इज मेनली विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टीज, सेम टाइप की रहेगी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हरदम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम टाइप की रहती है, बट प्रॉपर्टीज इनवेरली आर ऑफ सेम टाइप। पर मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, स्टीरियो आइसोमर्स मतलब उनका अटैचमेंट बिल्कुल सेम टाइप का है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लगभग एक ही टाइप का है, सिर्फ डिफरेंस आ रहा आर और एस पे, तो ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट है बाकी सब कुछ सेम है। तो ऑप्टिकल रोटेशन यदि इनका डिफरेंट है तो मैं इनको क्या बोलूंगा, आपस में इनको बोल दूंगा स्टीरियो आइसोमर्स। बट डायस्टीरोमर क्या है, डायस्टीरोमर का मतलब है ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। यदि आप इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को देखो तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, स्टीरियो आइसोमर तो है बट दे आर मिरर इमेज। मैं एक काम करता हूं, इधर से Cl हटा करके मैं देता हूं और इधर से I हटा करके Cl कर देता हूं। अब जब आप सेंटर का नॉमेनक्लेचर करोगे बेटा तो सेंटर का नॉमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से आएगा, ये I, ये Br और ये Cl, तो ये यूं घूम गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया S। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं डाया स्टीरियोमर, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स बट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दे आर स्टीरियो आइसोमर्स बट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। पहला वाला एकदम सिंपल था जो सिस ट्रांस वाला था, सिस एंड ट्रांस इज एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म,
एंड दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ इच अदर, वो तो बहुत सिंपली तुमने देख लिया। अब एग्जाम्पल आपने देखा ऑप्टिकल आइसोमर्स का, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर भी होते क्या है, स्टीरियो आइसोमर होते हैं, एंड दीज स्टीरियो आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज when two stereo isomers are not mirror image of each other, they are termed under the category of diastereomer. जब दो stereo isomer एक दूसरे की mirror image हो तो उसे enantiomer बोलते हैं, जो इससे पहले बने हुए थे SS और RR वाला जो था फंडा वो वाला था। मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको बोल रहा हूं ऐसे stereo isomers जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो उन्हें डायस्टीरियोमर कहते हैं। पहला एग्जांपल सिस ट्रांस का था, दूसरा एग्जांपल ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का लगा हुआ है। ठीक है, इस एग्जांपल को आप नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स के केस में आप डायस्टीरियोमर फाइंड आउट कर सकते हो विदाउट सीइंग द मिरर इमेज, बिकॉज ऑलवेज जरूरी नहीं है कि आप मिरर इमेज को करेक्टली इमेजिन कर पाओ, क्योंकि टू डायमेंशनल फिगर मैंने तुम्हें बना के दिया है इसलिए आप मिरर इमेज को आसानी से देख सकते हो, बट जब यही फिगर थ्री डायमेंशन में जाएगा तो मिरर इमेज को देखना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल पड़ता जाएगा। तो मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं कैसे आप ऑप्टिकल आइसोमर्स को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख सकते हो कि वो डायस्टेरोमर है या वो इनेंजियोमर है। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछना दो स्ट्रक्चर बना देंगे और पूछेंगे बताओ इन स्ट्रक्चर्स में आपस में रिलेशनशिप क्या है। प्लीज आप इसको जरा गौर से देखें, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। ओके बेटा, नाउ सी, मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे आप डायस्टीरियोमर देखो। आरएनए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लिख लो, ठीक, आरएनए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लिख लो, और नोमेनक्लेचर लिखने के बाद आप ऑप्टिकल सेंटर्स को दो में देखो, मतलब आपने इस तरफ बनाया हुआ एक फिगर एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक, इस तरफ एक और फिगर बना लिया तुमने ऐसे। अब देख बेटा, इधर एक दो तीन चार, चार सेंटर्स है। अब समझना जरा बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेटा वो कुछ लिखा ही नहीं है एक्चुअली, एक्स वाई ए बी सी डी यू ही लिख दिया, मतलब इसलिए मैंने छोटे छोटे लिखा है, फिर भी इसको तुम्हें उतारना नहीं है, ये तो मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूं, तुम ये बात समझो कि मान लो चार सेंटर इधर है और चार सेंटर इस तरफ है, ठीक, और बिल्कुल सेम टाइप का है। जब तुमने सेंटर का नोमेनक्लेचर किया, ले मैं यहां से मिटा देता हूं ये एबीसीडी सब कुछ मिटा देता हूं, ठीक, सेंटर का नोमेनक्लेचर तुमने किया, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर, ये एक सेंटर और ये एक सेंटर। इस एग्जांपल पे जाओ बहुत ज्यादा, क्योंकि समस्या ये है यहां पे, ठीक, मान लो ऐसा कुछ, ये बिल्कुल बकवास, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं दूंगा एक्स वाई जेड है इस टाइप से, बट मान लो ये आया आर, ये आया एस, ये आया एस और ये आया आर, ठीक, यानी बेटा सारे सेंटर रिवर्स हो गए, मतलब आर का एस हो गया, एस का आर हो गया, एस का आर हो गया और आर का एस हो गया, यानी सारे सेंटर रिवर्स हो गए, इफ ऑल सेंटर रिवर्सेस इट इज अ एग्जांपल ऑफ इनेंशियोमर। इन दोनों में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा इनेंशियोमर का। इफ ऑल काइरल सेंटर रिवर्सेस देन इट इज ए एग्जांपल ऑफ इनेंशियोमर, then it is an example of enantiomer. But if all centers does not reverse, rather say out of four, three or two or one reverses, then it is a example of diastereomer. Then it is an example of diastereomer.
then it is a example of diastereomer. तो ये example diastereomer का हो जाए. हाँ, जोर से बोलो. रिवर्स मतलब बेटा R का S हो गया, S का R हो गया, समझ लो. रिवर्स मतलब R का S हो गया, S का R हो गया, R का S हो गया, S का R, S का R, S का R, R का S, R का S, R का S, ठीक. तो सेंटर्स यदि मान लो बेटा आपके पास चार सेंटर थे, चार में से यदि तीन सेंटर रिवर्स हो गए तो डायस्टोमर, दो रिवर्स हो गए तो डायस्टोमर, वन रिवर्स हो गया तो डायस्टोमर. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर यदि एक भी सेंटर रिवर्स नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आइडेंटिकल हो जाएगा, सेम हो गया, क्लियर. यदि चारों के चार सेंटर रिवर्स हो गए तो इनेंचोमर, इफ ऑल सेंटर रिवर्सेस इनेंचोमर, इफ आउट ऑफ फोर सेंटर थ्री रिवर्सेस, आइदर टू रिवर्सेस और वन रिवर्सेस, डायस्टेरोमर. इफ आउट ऑफ फोर ऑल रिमेन सेम देन इट इज अ एग्जांपल ऑफ आइडेंटिकल, एक ही चीज है, फिर वो दोनों आइसोमर नहीं है, वो एक ही स्ट्रक्चर होंगे. आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे डायस्टोमर और इनेंचोमर देखते हैं. ठीक, अब आप एक सवाल निकालेंगे, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें. अब देखो, आप ये हो सकता है कि आप स्ट्रेट अवे इसको निकालने की कोशिश करो, स्ट्रेट अवे एक नजर में देख के बोल दो कि सर इनमें तो रिलेशनशिप डायस्टेरोमर है क्योंकि ये आपस में जो है एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है. बट मिरर इमेज है या नहीं है ये देखने के लिए आपको इक्वल चीजों को इक्वल पोजिशन पे लाना चाहिए. जैसे कि बी आर फिलर इधर है तो आपको बी आर को इधर ही लेके आना चाहिए. बी आर को इधर लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंजेस कर सकते हो. उसके बाद देखो, जैसे कि ओ एच इधर है, इस वाले एग्जाम्पल OH इधर है तो OH को इधर लेके आओ. उसके बाद में देखो कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं. या फिर आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है, और वो तरीका क्या है, RNS सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लिख के आप कंपेयर कर सकते हो कि ये एक दूसरे का क्या रिलेशनशिप है. आपको पता है यदि दोनों सेंटर सेम हुए तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ इनेंचोमर, और यदि सॉरी यदि दोनों सेंटर रिवर्स हो गए तो इट इज इनेंचोमर. यदि दो में से एक सेंटर रिवर्स हुआ एक नहीं हुआ तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डायस्टेरोमर. यदि दोनों के दोनों सेंटर रिवर्स नहीं हुए देन इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिकल. निकाल. हाँ बेटा, आ गया उत्तर. क्या उत्तर है इसका, डायस्टेरोमर इनेंचोमर आइडेंटिकल? बोलो. आइडेंटिकल मतलब सेंटर्स बिल्कुल सेम है. चलो मैं एक काम करता हूं, इस वाले बी आर को इधर लाने की कोशिश करता हूं. इसको इधर लाने के लिए मेरे को दो एक्सचेंज करने पड़ेंगे एटलीस्ट. तो एच को इधर ले जाऊं, सीएल को इधर ले आऊं. तो मैंने क्या किया, मैं एच को इधर ले गया, सीएल को ऊपर ले गया, बाद में बी आर को ऊपर ले आऊंगा और सीएल को इधर ले जाऊंगा. ठीक, सेकंड मेरे को बी आर सही पोजिशन पे, बिल्कुल हाँ बी आर सही पोजिशन पे. इसका मतलब मैंने इसको हटाया, तो यदि इसको मैंने हटाया तो एटलीस्ट बी आर का पोजिशन सेट जाएगा. तो अब ओ एच को इधर लाने का कोई महत्व नहीं, समझे बात को. अब OH को इधर लाने का कोई महत्व नहीं है क्योंकि OH को यदि इधर ले भी आए बेटा तो क्या होगा, H इधर जाएगा और H फिर OH को इधर से इधर एक्सचेंज करना ही पड़ेगा, या फिर H को इधर ले आए और BR को इधर ले जाए, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो वैसे ही नहीं हो सकती. क्लियर है? तो मैंने क्या बोला था, स्टीरो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर डायस्टेरोमर. तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डायस्टेरोमर. चलो हम सेंटर से इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. तो देख बेटा, इधर सेंटर पे यदि क्रॉस चेक करूं तो यहां पे प्रायोरिटीज देखो, यूं लिख दिया, ये बी आर नंबर वन प्रायोरिटी, सीएल नंबर टू और कार्बन नीचे जा रहा है नंबर थ्री और ये नंबर फोर. एक्सचेंजेस कर लेते, एक्सचेंज किया तो वन और फोर एक्सचेंज हो जाएगा, तो वन इधर आया और फोर इधर गया. टू और थ्री हो जाएगा, थ्री इधर आया और टू इधर गया. इसका मतलब वन टू थ्री, तो ये यूं गया, इसका मतलब ये एस फॉर्म. तो बेटा यहां एस फॉर्म लिख दे,
इधर आ जाओ, इधर देखा तो यहां पर नंबर वन प्रायोरिटी ये हो गया, नंबर टू ये हो गया, नंबर थ्री ये है और नंबर फोर ये है। एक्सचेंज कर लो, फोर से थ्री को एक्सचेंज कर देते हैं तो फोर यहां और थ्री यहां, वन यहां तो टू यहां, वन टू थ्री, तो ये यू गया तो ये हो गया एस फॉर्म, तो यहां पे लिख दूंगा एस फॉर्म। इधर आ जाओ, इधर आए तो नंबर वन प्रायोरिटी ये, नंबर वन ये, नंबर टू ये, नंबर थ्री ये और नंबर फोर ये, थ्री और फोर को एक्सचेंज कर लेते हैं तो यहां थ्री और यहां फोर, यहां वन तो यहां टू, तो वन टू थ्री यू गया तो ये आर फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज आर फॉर्म, आइडेंटिकल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इधर जाओ, इधर आ गया तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देखा बी आर नंबर वन, नंबर टू ओ एच, नंबर थ्री कार्बन और नंबर फोर ये, यहां पे किसी प्रकार को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे, तो आप क्या हो वन टू थ्री यू गया तो ये कैसा हो जाएगा, वन टू थ्री हो गया एस, तो ये सेंटर हो जाएगा एस। देखो एक सेंटर तो रिवर्स हुआ पर दूसरा सेंटर रिवर्स नहीं हुआ है, सिमिलर रहा है। मैंने क्या बोला था, दो सेंटर में से यदि एक भी रिवर्स हो गया है इट इज अ एग्जांपल ऑफ डायास्टेरोमर, तो ये डायास्टेरोमर का एग्जांपल हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि कोई कंफ्यूजन बेटा तो तुरंत आप पूछ लें कंफ्यूजन। अरे क्यों तुम रूल क्यों बदल रहे हो भाई, रूल क्या है, वन से टू पे जाना है और टू से थ्री पे जाना है, रूल के अनुसार चलना है क्योंकि रूल इंपॉर्टेंट है, समझे बात को। रूल क्या बोलता है, वन से टू पे जाओ, टू से थ्री पे जाओ, फोर को मत देखो। इस रास्ते पे जाते हुए यदि घड़ी की दिशा में गए क्लॉकवाइज तो आर, नहीं गए एंटी क्लॉकवाइज गए तो एस। रूल नहीं बदलना है, रूल तो रूल है दैट इज बीन प्रिस्क्राइब। ओके, किसी होशियार बच्चे को कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। ओके, आगे बढ़ते, आप एक और सवाल निकालेंगे। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा विचार करें। देखो मैं तुम लोगों को आइडिया दे दूं यदि तुम बोलो तो, वैसे यदि आप खुद विचार करें तो भी अच्छा है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूं जिससे कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। देखो चार बच्चे, इस एग्जांपल और इस एग्जांपल को गौर से देखो। इस एग्जांपल में ऊपर वाले कार्बन पे OH लगाए, CL लगाए और H लगाए, और इस एग्जांपल में नीचे वाले कार्बन पे OH, CL और H लगाए। नीचे वाले कार्बन पे इधर CL, BR और I लगाए, ऊपर वाले कार्बन पे यहां CL, BR और I लगाए। इसका मतलब मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट करके तुमको दिया हुआ है, तो सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है, तुम इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से रोटेट कर दो। तो यदि इसको पूरे मॉलिक्यूल को 180 से रोटेट करोगे तो H ऊपर जाएगा, BR नीचे आ जाएगा। बेटा H के आगे CL चल रहा है तो CL इधर होगा, और H के पीछे OH चल रहा है तो OH इधर होगा। इधर देख, BR के आगे I चल रहा है तो I इधर होगा, और BR के पीछे CL चल रहा है तो इधर होगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल को यू रोटेट करोगे तो जब तक BR इधर पहुंचेगा तब तक I इधर पहुंच जाएगा। ये बात शायद तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब तुम इन दो चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हो कि ये आपस में किस चीज का एग्जाम्पल है। वैसे तो आप बेटा स्ट्रेट अब इधर ही कंपेयर कर सकते थे RNS सिस्टम और नोमेनक्लेचर से, बस आपको ये देखना था कि नीचे वाला सेंटर को फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले सेंटर से कंपेयर करना था, और सेकंड वाले सेंटर को फर्स्ट वाले के सेकंड वाले सेंटर से कंपेयर करना था। इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना चाहिए। चलो कंपेयर करो इनको, आरएनएस सिस्टम द्वारा भी कंपेयर कर सकते हो और नॉर्मली देख के और एक्सचेंज देख के भी कंपेयर कर सकते हो। ट्राई द क्वेश्चन। ओके बेटा देख, चल बच्चे सबसे पहले डायरेक्टली देख लो, बहुत बढ़िया। ये तुम देखो सीधा सीधा दिख रहा है, देखो H और H, CL और OH, और उधर क्या है CL के सामने, इधर OH के सामने क्या आना चाहिए था, OH आना चाहिए था पर नहीं आया। उधर OH है और इधर CL है, उनको सामने आना चाहिए था नहीं आया। इधर CL के सामने CL है, I दूर है, उधर I दूर है, BR नीचे है। इसका मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है बेटा। यदि फर्स्ट को और थर्ड को देखोगे
तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और यदि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है होशियार बच्चे, तो निश्चित रूप से दिस इज एग्जांपल ऑफ डायस्टीरोमर। आप चाहें तो यहाँ पे आरएनए सिस्टम और नोमेनक्लेचर भी लिख के देख लो, गारंटेड आप देखोगे कि दो सेंटर में से एक सेंटर रिवर्स हुआ है, एक सेंटर रिवर्स नहीं हुआ है। इसको आप रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे की स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा।